तो हाय गाइस, मैं हूँ एस के समा और आज हम सॉल्व करें कोड फोर्सेस एजुकेशनल राउंड 110 रिलेटेड फॉर डिवीजन टू का क्वेश्चन ए, फेयर प्ले ऑफ। तो ये क्वेश्चन जो है पा के सबसे पहले यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है? खुद से सॉल्व करने का ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है आइए वो जानते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि एक टूर्नामेंट चल रहा है, ठीक है? एक टूर्नामेंट चल रहा है, टोटल 4 प्लेयर हैं जिनका स्किल हमें दिया हुआ है S1, S2, S3, S4, ठीक है? तो पहला राउंड में S1 और S2 कम्पीट करेगा, सेकेंड राउंड में S3 और S4 कम्पीट करेगा, ठीक है? जो इससे जीतेगा और जो इससे जीतेगा वो फाइनल में जाके आपस में कम्पीट करेंगे, ठीक है? मान लो इसमें से S2 जीत गया तो ये S2 यहाँ आएगा, इसमें S4 जीत गया तो S4 इसमें आएगा, फाइनल में आएगा, ठीक है? हार और जीत का कैसे डिसाइड हो रहा है? तो ये स्किल जो है ये कोई इंटीजर का वैल्यू है, जिसका स्किल ज़्यादा रहा वो हमारा राउंड को जीतेगा, ठीक है? तो हमें यही बताना है क्या ये जो फाइनल है, ठीक है, ये हमारा एक फाइनल फेयर रहेगा कि नहीं। फेयर कैसे हो, देखो जो हमारा चार चारों प्लेयर का जो स्किल्स दिया हो, ठीक है, अगर दो टॉप मोस्ट स्किल वाले प्लेयर अगर फाइनल में पहुँचे तब वो हमारा जो ये हमारा फेयर कहलाएगा। मतलब मान लो S1 हमारा 5 हो गया, S2 हमारा 6 हो गया, ठीक है, ये S3 हमारा 7 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, तो इसमें से हमारा कौन पहुँचेगा, इसमें से हमारा 6 पहुँचेगा, इसमें से कौन पहुँचेगा, इसमें से हमारा 8 पहुँचेगा, ठीक है? तो लेकिन देखो टॉप मोस्ट कौन है, टॉप मोस्ट था S3 और S8 थे ना, इसका 7 था, इसका 8 था, तो ये गेम हमारा फेयर नहीं हुआ। अगर फाइनल में हमारा 7 और 8 लेवल वाला स्किल वाला लोग पहुंचते तभी ये गेम हमारा फेयर होता। मतलब फेयर होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि ये दो गेम चल रहा है, ठीक है? तो ये मान लो जो चार हमारा प्लेयर था, ठीक है, S1, S2, S3, S4, ठीक है, मान लो ये इसका स्किल सबसे लोएस्ट है, ठीक है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है? तो गेम फेयर होने के लिए एक इधर जाना चाहिए और एक इधर आना चाहिए, ठीक है? मतलब जो लास्ट के दो है, ठीक है, जो टॉप मोस्ट दो प्लेयर है वो अलग अलग राउंड में जाने चाहिए, ठीक है? बस यही करना है। तो हमें यही चेक करना है क्या जो टॉप मोस्ट दो प्लेयर है, ठीक है, क्या जो टॉप मोस्ट दो प्लेयर है वो अलग अलग इनिशियल राउंड में खेल रहे हैं कि नहीं, ठीक है? मतलब दो प्लेयर मान लो एक्स और वाई, ठीक है, ये टॉप मोस्ट टू प्लेयर्स है, तो जो हमारा S1, S2, S3, S4, ठीक है, तो एक्स हमारा इसमें लाई करना चाहिए, वाई हमारा इसमें लाई करना चाहिए, ठीक है, या तो या ऑपोजिट, दोनों एक ही राउंड में लाई नहीं करना चाहिए। तो हमें यही चेक करना है। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे भैया, इसको इम्प्लीमेंट कर देखो कैसे मैंने किया है कि मैंने 4 साइज़ का एक एरे बना लिया, ठीक है, एक्स को मैंने मैक्स ऑफ पहला दो प्लेयर का बना दिया, वाई को मैंने मैक्स ऑफ सेकेंड दो प्लेयर का बना दिया, ठीक है? ये मतलब यही हो रहा है ना कि दो जो राउंड चल रहा है पहले दो प्लेयर आपस में लड़ रहे हैं, बाकी दो लास्ट के दो प्लेयर आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है? तो एक्स राउंड ए का विनर, वाई राउंड बी का विनर, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको सॉर्ट कर लिया, ठीक है, और अगर एक्स जो है हमारा वाई से बड़ा है तो इसको स्वैप कर दिया। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक्स हमारा जो सेकेंड लार्जेस्ट वाला स्किल वाला हो, वाई हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट स्किल वाला हो, ठीक है? चारों में से जो टॉप मोस्ट होगा वो वाई होगा, जो सेकेंड टॉप मोस्ट होगा वो एक्स होगा, ठीक है? तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ। अब देखो, इफ़ एक्स इज इक्वल डबल इक्वल टू ए ऑफ 2 एंड वाई इज डबल इक्वल टू ए ऑफ 3, मतलब क्या सीन है कि देखो ये हमारा एरे था, इसको मैंने सॉर्ट कर दिया था, ठीक है, जो टॉप मोस्ट स्किल वाला लास्ट में आ गया, सेकंड टॉप मोस्ट वाला यहाँ आ गया, थर्ड टॉप मोस्ट वाला यहाँ आ जाएगा, लास्ट वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है? तो इसका इंडेक्स इतना हो जाएगा 0, 1, 2, 3, ठीक है? तो यही हम चेक कर रहे हैं। अगर एक्स इज डबल इक्वल टू ए ऑफ 2, एक्स को हम क्या मान के चल रहे थे, लोअर वाला, ठीक है, यहाँ इसलिए यहाँ पर स्वैप कर दिए थे कि मतलब एक्स को मान के चल रहे हैं कि सेकेंड टॉप मोस्ट वाला, ठीक है? तो यहाँ पे वही चेक करें क्या एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ 2 है कि नहीं, ठीक है, एंड एंड वाई इज इक्वल टू ए ऑफ 3, क्या वाई जो है ये हमारा लास्ट वाला के इक्वल है कि नहीं, ठीक है? तो वही अगर है तो यस प्रिंट कर दो, नहीं तो हमारा नो प्रिंट करो। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, छोटा सा, ठीक है? तो यही था। अगर आप GFG से कोई कोर्स वगैरह लेना चाहें तो आप इसके समय GFG कूपन यूज़ कर सकते हैं, आपका फ्लैट एक्स्ट्रा 10% और ऑफ होगा, ठीक है? बहुत सारे कोर्सेज है, लाइव कोर्सेज है, ऑनलाइन कोर्सेज, लाइव में आपको लाइव पढ़ा जाएगा, ऑनलाइन कोर्सेज में आपको ऑनलाइन पढ़ा जाता है, ठीक है? जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज में आपको देखना है तो ये इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हो या DSA सीखना हो, आपको A to Z इसमें कंटेंट मिलेगा, काफ़ी अच्छा क्वालिटी में कंटेंट मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा 10% और ऑफ होता है। इन दोनों कोर्सेज में आपको इंटर्नशिप का भी मौका मिलता है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, या फिर आपको अगर टेस्ट सीरीज लेना हो तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके समय GFG आपका हर कोर्स पे एप्लीकेबल है, एक्स्ट्रा 10% ऑल ऑफ, नो अप टू मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आज की वीडियो में तो इतना ही था, तब तक ध्यान रखिए, सेफ रहें, मिलते हैं, बाय बाय। हाय, आई एम संदीप जैन एंड इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाट इज गीस क्लासेस लाइव। गीस क्लासेस लाइव इज एन इन डेप्थ लाइव कोर्स टू स्ट्रेंथन योर DSA स्किल्स and to help you in getting a job at a top product-based company.
This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.